सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें कि इन फिगर 6.3 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि हमारी एम एन लाइन और एक्स वाई लाइन इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पे। इफ पी ओ वाई, यानी कि पी ओ वाई हमारा दे रखा है इसमें 90 डिग्री, एंड ए और बी का जो रेशियो दे रखा है 2:3 है, देन फाइंड एंगल सी। एंगल सी हमें फाइंड करना है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये जो एंगल है हमारा बी और सी, ये स्ट्रेट लाइन पे, अगर बी मिल जाएगा हमें तो सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले लेट मी मेक इट स्मॉल दिस क्वेश्चन। या तो हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट्स फाइन। तो क्वेश्चन में हमारा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें हमारा एंगल दे रखा है, एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल बी बी और ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो एंगल दे रखा है हमारा, ये इसमें जो हमारा एंगल दे रखा है ए और बी, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। ठीक है, और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि अगर ये 90 है, पी ओ वाई 90 है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा, अगर मैं इसे मान लूं, क्योंकि रेशियो दे रखा है 2:3 2:3, तो रेशियो का भी गिवन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ए को मान सकते हैं 2x एंड बी को मान सकते हैं 3x, और क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का जो सम ऑफ एंगल होगा वो कितना होगा 90 होगा, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा हमारा 90, जिससे कि हमारा ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। रेशियो गिवन है हमें, ठीक है, तो रेशियो में हम x मान लेते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके क्वेश्चन को आप पोस्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 90/5 काट देंगे, तो कितना आएगा हमारा 1 एंड 8 आएगा, 18 डिग्री। अब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए है हमारा 2x, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 18, ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x, यानी कि 3 × x 18, यानी कि हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। और एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि हमारा जो ये एंगल है, सम ऑफ एंगल है बी प्लस सी का, आप देखेंगे बी प्लस सी का एंगल ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी प्लस सी होगा वो कितना होगा 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि और बी बी कितना निकला हमारा 54 निकला है, सी हमें निकालना है, और दोनों का सम दे रखा 180, सी इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 − 54 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, और निकलेगा हमारा 126 डिग्री। फाइन, तो 126 डिग्री हमारा इसका आंसर होगा। और निकालना क्या था, फाइंड सी की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। फाइन, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट। लेट मी मेक दिस आंसर। तो गाइस होप यू लाइक इट, एंड ये हमारा आ गया 126 डिग्री। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन बाय बाय।